भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस समय 270 के पार उसकी सीटें दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई बीजेपी के प्रदर्शन पर। धन्यवाद आपका। तो जनता हमारे नेतृत्वकर्ता मोदी जी, योगी जी और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनकी बदौलत ये एक जिसको कहना चाहिए जवाबदेही पारदर्शी सरकार ने अपने विकास के काम किए हैं और जनता में जन जन तक अपने विकास के कार्य पहुंचाने में सफल रही है सरकार। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय था वो आज एक मॉडल बना है दूसरे प्रदेशों के लिए। और जिस प्रकार से आज 57 जो योजनाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है। मैं कह सकता हूं कि समय का बदलाव है, समय के बदलाव के साथ जातवादी, संप्रदायवादी, क्षेत्रवादी, परिवारवादी सोच को जनता ने नकारा है और जो विकासवादी, राष्ट्रवादी, समन्वयवादी और सनातन परंपराओं का अनुरक्षण करने वाली जो सोच थी जनता ने उसको स्वीकारा है। एक चीज़ ये कि गुजरात में या मध्य प्रदेश में पहले लोगों ने देखा था कि बीजेपी की सरकार है वो लगातार रिपीट करती है, उत्तर प्रदेश में 3.5 दशक के बाद ये स्थिति बनी है, ये कैसे किया बीजेपी ने? नहीं, जाहिर सी बात है कि परिश्रम की पराकाष्ठा थी। 2 साल सब लोग अपने अपने घरों में छिपे रहे, विपक्ष के लोग, और 2 साल जो कोरोना का संक्रमण रहा, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर छोटा कार्यकर्ता तक जनता की सेवा में लगा रहा। मुफ्त वैक्सीन हो, मुफ्त की टेस्टिंग हो, मुफ्त की दवा सरकारी अस्पतालों में मिले, कई कई हमारे 6-6 विधायक नहीं रहे, 3-3 मंत्री नहीं रहे, हमारे 100 से ऊपर कार्यकर्ता नहीं रहे, पदाधिकारी नहीं रहे, लेकिन काम में कोई शिथिलता नहीं आई। चुनौती मानकर उसको लोगों ने उस बीमारी का, उस महामारी का मुकाबला किया और यही नेता तो अपने चुनाव क्षेत्रों तक में नहीं गए। जनता पूछती है कि काम करने वाला कौन है और घर में छुपकर नारे लगाने वाला कौन है। हमने आपने भी काफी प्रचार किया, वाराणसी में अभी आपसे मुलाकात हुई थी, ये जिस तरीके से कैंपेन की गई है आप इसको मानते हैं कि जो आपकी वजह से जो सदस्य बनाने का एक काम हुआ एक समय पे उसका भी लाभ मिला है? देखिए, माननीय अमित शाह जी का सबल नेतृत्व अध्यक्षीय कार्यकाल था, उसमें सदस्यता महाअभियान चला और माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी की जो लोकप्रियता थी उसका लाभ सीधे से सदस्यता महाअभियान में मिला और सदस्यता महाअभियान में पूरे देश पे एक रिकॉर्ड, जिसको कहना चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सदस्यता का और चाइना उससे पीछे हुआ। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की सरकारों ने बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ में काम किया है। हमारे वहाँ मॉनिटरिंग है, कौन क्या कर रहा है इसकी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति के द्वारा, हर व्यक्ति की कार्यशैली के बारे में उनको पता होता है, मुख्यमंत्री जी को हर व्यक्ति के बारे में पता होता है। तो एक बेहतर समन्वय, बेहतर शासन व्यवस्था, इसने प्रदेश का राजनीतिक समीकरण बदला है। सरकार